और सिवनी से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री का अजीबोगरीब बयान आया। दरअसल फगन सिंह कुलस्ते ने कहा, मुझे मात्र 6 बूथ जिता दो, बाकी चूल्हे में जाए। दरअसल लखनादौन क्षेत्र में उन्होंने बयान दिया। चुनावी साल में इस तरह के बयान के आखिर क्या मायने हैं, ये इस पर फगन सिंह कुलस्ते का ये बयान, आखिर उनके कहने का अर्थ क्या है, इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनसे। और फगन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मात्र मुझे 6 बूथ जिता दो, बाकी चूल्हे में जाए। इसका आखिर क्या मतलब है और बाकी बूथ कहां जाएंगे और बाकी बूथ कैसे काम करेंगे, क्या बाकी बूथ की आवश्यकता नहीं है जो उन्हें चूल्हे में डालने के लिए वो कह रहे हैं, इस पर बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे उनसे। फिलहाल आपको बता दें कि एक बयान चुनावी साल में सामने आया, सुनवाते क्या कुछ कहा उन्होंने। ईमानदारी के साथ जीतना चाहिए, चूल्हे में जाए नागा देवी, आपका दरगड़ा और बीमा, हमारा ये बधा, ये जो शक्ति केंद्र है 6 मतदान केंद्र की फेजेदार। तो भगत सिंह कुलस्ते का उन्होंने कुछ ब्लॉक्स के, कुछ माफ कीजिएगा, बूथ के नाम लेकर कहा कि बाकी चूल्हे में जाए, लेकिन ये 6 बूथ हमें जिताने हैं और 6 बूथ जिताओ, बाकी जाए चूल्हे में। तो इसमें आखिर उनके कहने का आशय क्या है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि खुद फगन सिंह कुलस्ते जी से बात हो सके, आखिर उनके कहने का, इस चुनावी साल में इस तरह की बात कहने का आशय क्या है, क्या उन्हें सिर्फ 6 बूथ की जिम्मेदारी है, क्या पार्टी और संगठन के लिए बाकी बूथ जिम्मेदार नहीं है, या फिर फगन सिंह कुलस्ते के लिए ही सिर्फ ये 6 बूथ महत्वपूर्ण है, बाकी बूथ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बहरहाल ये दरअसल एक अजीबोगरीब बयान फगन सिंह कुलस्ते जी का सामने आया, जहां उनका ये कहना है कि मात्र 6 बूथ मुझे जिता दो और बाकी चूल्हे में जाए। लखनादौन क्षेत्र में ये बयान उन्होंने दिया एक सभा के दौरान। चुनावी साल में इस तरह के बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाएं, हमारे सहयोगी वासु चौरे अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे और कोशिश हम करेंगे कि फगन सिंह कुलस्ते से भी हम बातचीत कर सकें, उनसे ये जान सकें कि आखिर चुनावी साल में इस तरह की बातें करने की क्या आवश्यकता है। और वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वासु, केंद्रीय मंत्री का इस तरह से चुनावी साल में ऐसा बयान देना पार्टी के लिए ये थोड़ा असहज स्थिति हो जाती है, हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि फगन जी से बात हो पाए, उनसे हम जाने कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं, एक अजीबोगरीब बयान चुनावी साल में। निश्चित तौर पर आशीष, देखिए बहुत अजीबोगरीब बयान है। पहले ही कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो मध्यप्रदेश में भी बीजेपी के लिए एक वार्निंग अलार्म की तरह है, और इसी बीच नेताओं के इस तरीके के बयान देना कहीं ना कहीं पार्टी की जो मुसीबत है वो बढ़ा सकता है। फगन सिंह कुलस्ते पहली दफा नहीं है जब अपने बयानों के लेकर चर्चा में आए हों, इसके पहले भी वो इस तरीके के कुछ बयान दे चुके हैं, इस तरीके के उनके वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिसके चलते बीजेपी को भी कहीं ना कहीं जवाब देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और खुद फगन सिंह कुलस्ते भी घिरते हुए नजर आए थे। और अब एक बार फिर से उनका बयान जो है वो संसदीय क्षेत्र उनका जो है वहां लखनादौन में ये बयान उनका सामने आया है, जहां पर वो कुछ बूथों का जिक्र कर रहे हैं जिनके लिए उनका ये कहना है कि इन बूथ पर हमें जिता दिया जाए। आप रहे हमारे साथ, हम वहीं मौके पर हमारे सहयोगी अजहर मौजूद थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। अजहर, मंच पर फगन जी खड़े थे, केंद्रीय मंत्री हैं, चुनावी साल है, कर्नाटक का परिणाम है, ये बाकी बूथ को चूल्हे में क्यों डालने पर तुले हुए, क्या बात थी, आखिर क्या कहना चाह रहे थे मंत्री जी? अजहर, मेरी आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे कि मंच पर जो मंत्री जी ने बयान दिया वहां क्या चर्चा हुई, इसकी क्या आशय था, इसका कुछ पता चला क्या? देखिए आशीष जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जनसभा अभियान का दूसरा चरण चल रहा है, इसके लिए एक सरकारी कार्यक्रम लखनऊ क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र वहां पर आयोजित किया गया था। मंच पर कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री फगन सिंह कुलस्ते पहुंचे हुए थे। जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये मूलतः कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक है काफी लंबे समय से काबिज हैं, और इस क्षेत्र में ये संसदीय क्षेत्र लखनादौन जो का क्षेत्र है वो बालाघाट और सॉरी मंडला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में पिछले बार कहीं ना कहीं जो फगन सिंह कुलस्ते हैं उनको काफी कम मत मिले थे, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा करने का एक कोशिश की है, जहां पर जो खासकर जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र जो उस क्षेत्र में पिछले चुनाव जो भी लोकसभा चुनाव हुआ था उनको काफी
कम संख्या में वोट परसेंट रहा है, इस चलते उन्होंने जब उनके जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे तो फग्गन सिंह कुलस्ते से स्थानीय ग्रामीण ने किसी चीज की मांग की थी। इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं फग्गन सिंह कुलस्ते ने ये पूरा बयान दिया है, मायने कई ऐसे कल मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये कार्यक्रम हुआ भी और ऐसे में इस तरह की बात वो कहते ना, वहां पर मीडिया ने क्या इस बारे में बात करने की कोशिश की कि मंत्री जी आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, बाकी बूथ को चूल्हे में क्यों डाल रहे हैं, क्या उसकी आवश्यकता नहीं है, वहां पर कोई जवाब दिया क्या उन्होंने? देखिए बिल्कुल आशीष जी, इस कार्यक्रम के समापन के बाद तत्काल जो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते थे वो अपने गंतव्य के निकल गए, इससे इस दौरान उनसे मुलाकात नहीं हुई। लेकिन वासु, ये ऐसे चुनावी समय में इस तरह का बयान देना निश्चित रूप से पार्टी के लिए थोड़ी असहज स्थिति हो जाती है सर, और देखना होगा कि आगे अब इस पर क्या वो कोई सफाई देते हैं कि बाकी बूथ्स को क्या उनको कोई आवश्यकता नहीं है, समय की थोड़ी कमी है, अन्यथा उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, अभी बातचीत हो नहीं पा रही है फग्गन जी से। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए।